नमस्कार दोस्तों, अमर उजाला के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्वीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम बहुत ही झटपट बना लेंगे। बहुत लिमिटेड सी चीजों की हमें जरूरत होगी, तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने लिए हैं व्हाइट ब्रेड। रेसिपी को स्वीट करने के लिए हमें जरूरत होगी शुगर की। आधा कप मैंने शुगर लिया है, साथ ही मैंने लिया है फ्रेश मावा। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इसमें मलाई का यूज भी कर सकते हैं। कुछ मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ पिस्ते ले लिए हैं, थोड़े से लिए हैं चिरौंजी के दाने, साथ ही लिए हैं बादाम जिसे एकदम बारीक बारीक काट लिया है, और थोड़े से मैंने लिए हैं काजू, उसे भी बारीक काटा है। अच्छी खुशबू के लिए हम यूज करेंगे इसमें इलायची, और एट लास्ट हमें इसमें जरूरत होगी गोले के बुरादे की। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने लिया है एक बड़ा बाउल, जिसमें हमने जो चीनी ली थी वो ट्रांसफर कर देंगे। थोड़ी सी चीनी रोक लेते हैं। जितनी हमने चीनी ली थी उसका जस्ट हाफ हम इसमें पानी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इस चमचम को एक बहुत ही अच्छा कलर देने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ इसमें ऑरेंज कलर। कलर सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और कलर डालते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कलर को बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज करें। और ये लीजिए, मैंने बस इतना सा कलर इसमें डाल दिया, मिक्स कर लेंगे। और जितने हमारी चीनी मेल्ट होती है इतने हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। ये जो मावा लिया था इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। मावा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर आपने फ्रीज में रखा हुआ है तो उसे एक बार कद्दूकस कर लें। और अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। थोड़ी सी हरी इलायची, हरी इलायची आप कभी भी यूज करें, अगर फ्रेश यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। एक से डेढ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया कोकोनट पाउडर, और साथ ही डालेंगे एक टीस्पून जितनी चीनी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और अब बारी है ब्रेड को कट करने की। ब्रेड को कट करने के लिए मैंने कुकीज कटर का यूज किया है। आप चाहें किसी भी कटोरी के साथ, किसी भी डिब्बी के ढक्कन के साथ इसे कट कर सकते हैं। और बस इस तरीके से हम इसमें राउंड शेप निकाल लेंगे। ब्रेड राउंड शेप में कट हो चुकी है, और अब बारी है इन्हें स्टफ करने की। स्टफ करने के लिए हमारी स्टफिंग भी तैयार है, और बस थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग लेते जाएंगे और इस तरीके से ब्रेड पे प्लेस कर लेंगे। अच्छा सा प्रेस कर देंगे। अच्छा सा सेट कर लेते हैं। और आधी ब्रेडों को हमने स्टफिंग के साथ प्लेस कर लिया है, और आधी ब्रेडों से हम इनके छोटे छोटे सैंडविच बना लेंगे। हमारे ये छोटे छोटे से मिनी साइज सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। हथेली के बीच में लेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे। इधर हमने जो चीनी मेल्ट करी थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब एक एक सैंडविच लेते जाएंगे, इस चाशनी में डिप करेंगे, हल्का सा फिर से प्रेस कर देंगे जिससे एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाएगी। प्लेट में प्लेस करते जाएंगे। और
सभी सैंडविच को मैंने चाशनी में भी अच्छे से डिप कर लिया है। और ये जो हमने कोकोनट पाउडर लिया था इसे एक प्लेट में कर लेते हैं। और चाशनी वाले सैंडविच बस इस तरीके से हम इस पे कोट करते जाएंगे अच्छे से। गोले का बुरादा इन पे लगा देंगे। इसी तरीके से एक एक करके हम सभी को कोट कर लेंगे। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी ब्रेड चमचम बनकर तैयार हो गई है। थोड़े से पिस्ते से हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं जिससे देखने में थोड़ी सी और अट्रैक्टिव लगेगी। बहुत ही सिंपल सा पर बहुत ही टेस्टी हमारा मीठा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इस मीठे को ट्राई करते हैं तो यकीन मानिए कि इसमें ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये स्वीट रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अमर उजाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।